बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सम्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं। कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है, 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है, लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ कुतला कुचला हुआ समाज जो है उसमें एक नई चेतना एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। मैं मानता हूं कि हम लोग जो है बाबा साहब की जयंती मनाते हैं ढोल बजाना गाना बजाना बाबा साहब की बातों का दोहराना लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं गुण है गान है उस पर लोग गा रहे हैं लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे उस पर शुरुआत हुई। बाबा साहब ने जरूर हमसे कहा कि शिक्षित बनो शिक्षित बनने के बाद आप संगठित हो और एजिटेट करो लेकिन किसके लिए हमको संघर्ष करना है किसके लिए तो संघर्ष करना है समाज में बदलाव लाने के लिए। हमको संघर्ष किसने लाना है तो एक नई व्यवस्था इस देश में पैदा कर हमको इस देश में संघर्ष क्यों करना है तो इस देश में इंसानियत पनपनी चाहिए इसके लिए हमको संघर्ष करना है। ये तो सिद्धांत हुए कि जिस पर हम समाज बनाना चाहते हैं ये तो सिद्धांत है कि जिसके बुनियाद पर यहां की समाज व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उस युग की हकीकत भी हम लोगों को जाननी है और वह हकीकत है कि 1923 में बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी रुपये की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश और पार्लियामेंट सभ्य विनोद कुमार गारु आये कावल ओडिंचडानिकि की कोई प्रयत्न हरीश राव फस्ट अप्पुडु उंडि बंडि संजय गारु बीजेपी बंडि संजय गारु तो पार्ट ऑफ जीरो బండి సంజయ్ గారు ఆయన లేదన్న పాత్ర నేను చెప్తున్నా ఓటర్ రికార్డ్ ఇచ్చున్నా పార్లమెంట్ ఏరియాలో ఎన్ని ఊళ్ళు ఉన్నాయని కూడా ఆయన తెలియదు ఇప్పుడు తిరుగుతా కదా పక్కచ్చుకో తిరుగుతున్నాడు ఇక్కడ